नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मेनन ने अब राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया। फांसी की सजा पाए याकूब मेनन की सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद उसके परिवार ने महाराष्ट्र गवर्नर से माफी की गुहार लगाई है। याकूब के वकील अनिल गेदाम ने कहा कि जेलर के माध्यम से यह याचिका महाराष्ट्र के गवर्नर को भेजी गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। इससे पहले राष्ट्रपति उसकी दया याचिका को ठुकरा चुके हैं। इस मामले में एकमात्र वही है जिसकी फांसी की सजा कोर्ट ने बरकरार रखी है। सूत्रों के मुताबिक उसकी फांसी के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में सभी जरूरी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई है। अब उसको 30 जुलाई को फांसी दे दी जाएगी। ललित मोदी ने वाड्रा से पूछा, इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनाई? ललित मोदी ने ट्वीट करके अब रॉबर्ट वाड्रा को घेरने की कोशिश की है। ललित मोदी ने वाड्रा की देश विदेश की 31 संपत्तियों के बारे में जानकारी देते हुए पूछा कि अब वो अपनी इन संपत्तियों के बारे में क्या कहेंगे। ललित मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि वाड्रा का बैंकॉक में होटल है, दुबई के मशहूर पाम जुमेरा में एक विला है और लंदन के रिवर साइड में उनकी इमारत है। ललित मोदी ने वाड्रा की इन संपत्तियों के बारे में कांग्रेस से भी सवाल पूछा है। सईद ने दी कश्मीर मुद्दे पर शरीफ को धमकी। जमात उद दावा के सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को धमकी दी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कश्मीरी लोगों को साथ लिए बगैर भारत से दोस्ती का हाथ न बढ़ाए। इस आतंकी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी सरकार को कश्मीरी मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आना चाहिए तथा उसे अपने सिद्धांतिक रुख पर कायम रहना चाहिए।